नमस्कार, हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है, शुरुआत उसी के साथ बुलेटिन की करेंगे। राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अहम खबर। राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, ये बात खुद ट्वीट कर राहुल गांधी ने बताई है। मेरे संपर्क में आए लोग जांच भी कराए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो भी एक दो दिनों में उनके साथ मुलाकात की है, बैठक की है या फिर उनके कांटेक्ट में आए हों, वो भी अपना कोरोना का जांच करा ले क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूं। तो राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए, चुनावों को लेकर के सक्रिय दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में हालांकि ज्यादा सक्रिय नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में मेरी जितनी भी रैलियां हैं आगे आने वाले वक्त में उन्हें कैंसिल करता हूं मैं। अब बड़ी खबर यही कि कोरोना पॉजिटिव राहुल गांधी हुए, ट्वीट किया उन्होंने और ट्वीट करके ये बात बताई है कि उन्हें माइल्ड सिम्टम थे और इसी वजह से उन्होंने टेस्ट कराया था। अभी होम आइसोलेशन में राहुल गांधी और उनके संपर्क में जितने भी लोग आए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो ये कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखें और खुद भी जांच कराएं। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जी हिंदुस्तान की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। जी हां, कोविड अस्पताल में मरीजों की देखभाल अब शुरू हो चुकी है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया था हॉस्पिटल के ऊपर। जी हिंदुस्तान ने खबर दिखाई और अब उसी खबर का असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। ये जीत है जी हिंदुस्तान की, क्योंकि वो मरीज जिनको ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा था, अब जी हिंदुस्तान की खबर का असर हुआ है। कोविड अस्पताल में मरीजों की देखभाल शुरू हो चुकी है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। अस्पताल प्रशासन जागा और देखिए अब इलाज सही ढंग से हो रहा है। कार्डियो से जुड़े डॉक्टर हैं अनिल मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, ताजा स्थिति क्या है आप बता दीजिए। एक मिनट, ताजा स्थिति सर क्या है? ताजा स्थिति है कि हमने अपने मैन पावर ऑगमेंट कर दिए हैं, सारी सुविधाएं इन्हांस कर दिए हैं। अब भी सारी पानी बिजली हर चीज की समस्या है। अंदर के हालात क्या है? मिस मैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बस अंदर की हालात बहुत बढ़िया है। हमारे नर्सिंग सर्विसेज पूरी लगी हुई है एमएनएस के। पेशेंट बता रहा है कि पानी तक नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, बोतल दे रखे हैं, सब कुछ दे रखे हैं। अब बहस करने का कोई इसमें वो नहीं है। मेरे को आप एक घंटा और समय दें ताकि मैं उसको काम कर सकूं। तो सुमित की रिपोर्ट आपने देखी है, तीन सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित की रिपोर्ट आपने देखी, डीआरडीओ की, वहीं से इस वक्त सुमित जुड़े हुए हैं। आनंद विहार से इस वक्त हितेन जुड़े हुए हैं और हर्षा नोएडा बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, जी हिंदुस्तान की तो जीत है, लेकिन वो मरीज जिन्हें अब तक इलाज नहीं मिल पा रहा था, अब कम से कम उनके जो तीमारदार है उन्हें तसल्ली हुई होगी, स्थिति क्या है वो बताइए। देखिए, जो हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज एडमिट है शालिनी, उनके परिजन काफी परेशान है क्योंकि लगातार जो खबरें अंदर से आ रही थी इन परिजनों के पास कि पानी पीने तक का पानी नहीं है, मिसमैनेजमेंट काफी है। तो अभी भी जो हिंदुस्तान दोपहर 12 बजे से लगातार खबर दिखा रहा था, उसके बाद डीआरडीओ के डॉक्टर यहां अनिल मिश्रा पहुंचे हैं और उन्होंने समय लिया है हमसे, खासकर जी हिंदुस्तान से समय लिया है कि करीब आप 45 मिनट का हमें समय दीजिए, हम अंदर सब कुछ सही कर आपको रिपोर्ट देते हैं। और कुछ ऐसे परिजन हैं जो वो अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें पीपी किट मुहैया कराकर अंदर कम से कम ले जाया जाएगा ताकि वो अपने जो मरीज हैं उनको देख सकते हैं। तो ये फिलहाल स्थिति है, लेकिन इससे पहले जब 12 बजे से पहले की जो स्थिति थी वो काफ़ी यहाँ दयनीय थी क्योंकि भारी संख्या में यहाँ मरीज के जो परिजन हैं वो पहुँचे थे और यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन जब हमने खबर दिखाई 12 बजे के बाद से, उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास डीआरडीओ के जो डॉक्टर हैं अनिल मिश्रा वो पहुंचे हैं और अंदर फिलहाल वो तमाम जो मिसमैनेजमेंट का जो बिल्कुल सुमित, और देखिए अस्पताल के अंदर किस तरीके का इलाज चल रहा है, क्या वहां की हकीकत है, ये हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हर्षा भी हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, देखिए तमाम परिजनों का भी इस वक्त यही शिकायत है कि अस्पताल वो जाते हैं तो बेड नहीं मिलता, बेड अगर मिल भी जाए तो वहां पर ध्यान देने के लिए डॉक्टर्स नहीं होते। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रही हैं? जी देखिए, मैं बताऊं, जैसी स्थिति दिल्ली की है कमोवेश वही स्थिति नोएडा की भी। नोएडा के आप जितने प्राइवेट अस्पतालों की बात करेंगे कहीं पर कोई इलाज नहीं है, आईसीयू नहीं है, बेड्स नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि बेड मुहैया कराई जाए, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बेड बढ़ाए गए हों या कोई अस्थायी कोविड सेंटर बढ़ाया गया हो। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 35 के बस अड्डे पर मौजूद हूँ और तस्वीर आपको दिखा देते हैं किस तरह से लगातार
पलायन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस में जो यात्री जिस तरह से भरे हुए हैं, जो पलायन कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, बहुतों के चेहरे पे मास्क भी नहीं है, सबसे अपने घर जाना चाहते हैं। और ये पलायन की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली के आनंद विहार से नहीं बल्कि नोएडा और जगह जगह जहाँ से भी जो भी बस उपलब्ध हो रही है लोगों को, वहाँ वो पहुँच रहे हैं बस से घर जाने के लिए। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि 6 दिन का दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहाँ पे यूपी में पता नहीं है कब लॉकडाउन लग जाए, अस्पताल है नहीं, बेड में बेड की जो स्थिति होने वाली है उससे लेकर के पहले से ही मन में भय आशा। लेकिन देखिए उस वक्त की तस्वीर दिखाना भी दर्शकों को जरूरी है जब जी हिंदुस्तान की टीम डीआरडीओ कोविड सेंटर पहुंची हुई थी, तब मरीजों ने हमारी टीम के सामने किन लापरवाहियों का खुलासा किया था, जरा देखिए। डीआरडीओ की ओर से बनाया गया अस्पताल खुलते ही फुल हो गया है और देखिए मरीज अंदर एडमिट है और बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हालत जो है वो बस से बदतर हो गए हैं। आप क्यों रो रही हैं? सर एक्चुअली मैं कल उन्हें दोपहर को यहाँ पे लाए थे, 70 साल गए मेरे बुजुर्ग हैं, कल से जाने नहीं दे रहे, हाल चाल नहीं, दवाई एक दवाई कल से नहीं दी गई, बेहोश हो रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। क्या क्या दिक्कत हो गई? सर मेरे फादर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, वो बिल्कुल 45-50 पे आ रहे हैं सर ये, और वो ये कॉल कर रहे हैं मेरे को डॉक्टर से उनसे मैं बात करा रहा हूँ, कोई बात करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर कह रहा आप अंदर आ सकते हैं मेरी बात कराओ, लेकिन यहाँ पे कोई मेरे को अंदर जाने को तैयार नहीं। मेरे फादर की लास्ट स्टेज पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ यार, मेरे पास न्यूबोलाइजर है, मेरे पास दवाइयाँ हैं, अंदर ना तो दवाइयाँ हैं ना तो दो डॉक्टर है, 250 बेड के ऊपर दो डॉक्टर 250 बेड के ऊपर। रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, हमें इलाज चाहिए, नहीं तो हमारा पेशेंट वापिस चाहिए मुझे, अभी मेरा पेशेंट वापिस दो, मेरे फादर को बाहर दे, मैं ले जाऊंगा मैं अभी, मुझे नहीं चाहिए आपका इलाज, मुझे नहीं चाहिए सरकार की कोई, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, लोगों ने मुझे नहीं चाहिए आपका किसी का सहयोग, मुझे अंदर जाना है अभी, सबके सब निर्दयी चोर है, ऐसे ही माँ वैसे ही मौत में रहेंगे सबके सब, ये बिल्कुल फादर की तबीयत, हम कल से पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, आज सुबह इन्होंने पूरी घेराबंदी कर दी है, कल तक कम से कम 400 आदमी अंदर था, आज किसी इमरजेंसी वाले को अंदर नहीं जाने दे रहे, डॉक्टर के कहने पे जाने नहीं दे रहे यार। बद्दुआ है, बद्दुआ तुम्हें। आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत होगी? मेरा पेशेंट क्रिटिकल है, वहाँ पे मेडिसिन ये लोग दे नहीं रहे, हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को, हर एक घंटे में स्टीम लेनी है, हर एक घंटे में आपको निबाइज कर रहा है, कौन करेगा, अंदर तो नर्स है ही नहीं, अंदर कोई है ही नहीं, स्टाफ तो हो पहले, स्टाफ है नहीं। मैं सामान ले जा रही हूँ, मैं जाना चाह रही हूँ सर, ये तो कोई नहीं है, कल से दवाई नहीं दी गई है, जाने नहीं दे रहे अंदर, कल से गुजरा के मेरे तड़प रहे अंदर जा गए, कल से पड़े पेशेंट ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, तो ये हालात जो है वो काफी दयनीय बनी हुई है, परिजन का रो रो का बुरा हाल है, क्योंकि अंदर जो है इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, इनका आरोप है कि डॉक्टर बुला रहे हैं लेकिन यहाँ सिक्योरिटी गार्ड पुलिस जो है उनमें रोक दे रहे हैं, अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि अंदर किसी भी तरह का देखभाल जो है वो मरीजों का नहीं किया जा रहा है और ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन होता जा रहा है, तो ऐसे में जितने भी परिजन हैं उन्होंने आशंका जताई है कि उनके जो मरीज हैं वो किसी भी वक्त जो है वो उनकी मौत हो सकती है, और इसी को लेकर ये हंगामा यहाँ परिजनों का जो है वो देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन रंजन रस्तोगी के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बहुत तकलीफ दे ये तस्वीर सुमित, आपने हमारी आपकी रिपोर्ट हमने आप देखी, और उस वक्त अभी इस वक्त वहां पर क्या हालात है, क्योंकि जब परिजनों से आप बात कर रहे थे तो स्थिति तो ठीक नहीं लग रही थी, अभी फिलहाल हॉस्पिटल में क्या हालात है? देखिए दीपिका, सुबह से ही स्थिति जो है वो काफी दयनीय बनी हुई है, हालांकि हमारी खबर दिखाने के बाद डीआरडीओ के डॉक्टर यहां पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी परिजन इस इंतजार में हैं कि वो अपने मरीज को देख लें, क्योंकि विश्वास इस अस्पताल पर नहीं हो रहा है, इनका कहना है कि जब तक वो देख नहीं लेंगी अपनी आंखों से तब तक यहाँ से वो नहीं जाएंगी। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, इनकी माँ एडमिट हैं,
उनकी माँ को पैरालाइज भी मारा हुआ है, क्या तकलीफ है? एक साइड पैरालाइज है उनका और कोरोना पॉजिटिव भी है। कोरोना पॉजिटिव भी है, कल जब से लाई हूँ आईसीयू में उनको जबरदस्ती हमने भर्ती कराया था, अभी तक उनका एडमिशन तक नहीं हुआ। मैं उनको डॉक्टर को बार बार बुलाती रही कि एक बार देख लो, उन्होंने बस खाना, जब मैं एक बार इन्होंने दिन में हमें भगा दिया, फिर रात को मैं चुपके चुपके से आई गई कैसे भी करके। जब मैं यहाँ पे रात को पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई डॉक्टर आपको देखने आया, उन्होंने बोला कोई नहीं आया, सिर्फ ऑक्सीजन लगा के छोड़ा हुआ। फिर मैंने उनको एडमिशन के लिए बोला कि चलो एडमिशन होगा तब जाकर तो कोई आएगा। लेकिन अनिल मिश्रा डॉक्टर पहुंचे थे डीआरडीओ के, उन्होंने कहा कि सब कुछ सही है, मैं अंदर से देख कर आता हूँ फिर बताता हूँ। 35 मिनट का समय खासकर जी हिंदुस्तान से उन्होंने लिया है बताने के लिए, हालांकि मैं फिर उनसे पूछूंगा, लेकिन आप क्या चाहती हैं, क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि अगर उनको इतना ही वहाँ पे हम लोगों से प्रॉब्लम है, हर दिन का कम से कम हमें आधा से एक घंटा हमें हर दिन हम आएंगे। लेकिन मैडम ये बताइए, कोविड आप कैसे जा सकती हैं? ये आप हमें पीपी किट दे दें। नहीं, उसके लिए मैंने बात की है, उन्होंने बोला है कि मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन या तो वो अपना स्टाफ बढ़ा दें, अगर स्टाफ नहीं बढ़ाना चाहते तो हमें, क्योंकि मैं कल पूरी रात मैंने वहाँ पे सिचुएशन देखी है, वहाँ पे मैंने अपने सामने कम से कम अभी 25 से 30 लोगों को मरते हुए देखा है, ऑक्सीजन खाली है, उसमें पानी डालने वाला कोई नहीं है। मेरी मम्मी का बिस्तर कल से गीला है, बिस्तर गीला होने के बावजूद वहाँ पे मैंने उनसे बेडशीट के लिए बोला, उनके पास एक बेडशीट तक नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कल हमने हमारे मदर को एडमिट करा, ठीक है, वो अंदर एडमिट है, उनके पास फोन नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं। इन्होंने हमें एक स्लिप पे लिख दिया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है, हमारे पास वो बेड का फोटो है, ठीक है, उसके ऊपर कोड लिखा हुआ है, बट आप लिंक कैसे करेंगे? वो अपना नाम बता नहीं सकते, अभी वो कुछ कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट है, उनकी फैमिली कौन है? तो ये तमाम तरह के मिसमैनेजमेंट है जिसको लेकर हमने बात की है और 35 मिनट का समय लिया है, हालांकि आधा घंटे एक घंटे का करीब समय हो चुका है और फिर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन देखिए 250 बेड्स फुल हो चुके हैं इसमें, और देखिए अभी भी तमाम जो लोग हैं, शालिनी मैं आपको दिखाना चाहूं कि अभी भी देखिए एम्बुलेंस में की कतारें यहां लगी हुई हैं इस इंतजार में कि यहां बेड्स मिल जाए। सिलसिला थम नहीं रहा है, न लोगों के गमों का सिलसिला थम रहा है, न उनकी परेशानियों का सिलसिला थम रहा है। लेकिन सुबह जैसा आपने कहा कि डॉक्टर ने खुद आपसे 35 मिनट का वक्त मांगा है, आप अपडेट लेते रहिए, लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच हम इतेन का भी रुख कर लें, क्योंकि जिस तरह से लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है, वो लगातार जारी है, वैसे प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अभी आनंद विहार की मौजूदा स्थिति की हम बात करें इतेन, क्योंकि ऐसे तो कोरोना बढ़ता चला जाएगा। अभी की तस्वीर दिखाई है वहां की। बिल्कुल शालिनी, सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। सुमित, जो तस्वीरें दिखा रहे कि हॉस्पिटल किस तरीके से खस्ता हालत में है, वही डर लोगों के लिए है कि कहीं ना कहीं ये हालत उनकी भी ना हो जाए, इसीलिए ये लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं। हालांकि इन्हें दिक्कत कुछ नहीं है दिल्ली में रहने में, ये कह रहे रोजी रोटी तो खैर हम किसी ना किसी तरह ले लेंगे, लेकिन जो स्थिति दिल्ली की बुरी बनी हुई है, उस स्थिति के डर से देखिए जो सामान मिल रहा है वो सामान लेकर लोग यहाँ से चल पड़ रहे हैं। हम बात करते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं ना, लॉकडाउन के वजह से। हितेन, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर झारखंड में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो दूसरा राज्य दिल्ली के बाद झारखंड बना जहां पर एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। 22 अप्रैल की शाम से 29 अप्रैल तक झारखंड में लॉकडाउन लगाया गया। आपको हम बताएं कि सुरक्षा सप्ताह के तौर पर हेमंत सरकार इस पूरे एक हफ्ते को मनाने वाली है। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है, एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है, सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाएगी हेमंत सरकार। कोरोना के केसेस दिन ब दिन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं, ये निर्णय राज्यों को लेने के लिए कहा था। पहला राज्य दिल्ली, जहां पर एक हफ्ते का फुल लॉकडाउन, और अब उसके बाद ये दूसरा राज्य झारखंड। और वही कोरोना के विकराल होते हुए इस रूप को देख करके, और देश के कई बड़े राज्यों से जो पलायन तेज होता चला जा रहा है, अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह की भारी तादाद में मजदूरों के पलायन की तस्वीर सामने आ रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मदद के लिए पलायन करने वालों को खाना पीना देने में जुटे हुए हैं, उनकी मदद कर रहे मजदूरों की।
तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पलायन करने पर मजबूर इस वक्त मजबूर है, किस तरह से वो जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुखद बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए अब स्वयंसेवी संगठन सामने आ रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद की अगर हम बात करें तो उसके कार्यकर्ता भी जगह जगह जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें खाना और पानी देते हुए नजर आए। लेकिन कोरोना इससे और फैल सकता है, बढ़ सकता है। आप देखिए, छोटे बच्चों से लेकर के महिलाएं, सब कोई वापस अपने घरों को लौट रहा है। और इसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, न सैनिटाइजर का कोई बार बार इस्तेमाल कर रहा है, और ना ही मास्क सबके चेहरे पर आपको दिखेगा। तो हर्षा और हितेन इस वक्त मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हर्षा, देखिए ये जो तस्वीर सामने आ रही है, अलग अलग राज्य से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि मजदूर जो है वो भारी तादाद में पलायन करने पर मजबूर है, लेकिन इससे कोरोना वाकई में बहुत तेजी से फैलेगा। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हमने पिछले साल भी देखी थी 2020 में, और 2021 में हमें हूबहू वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। यानी कि सरकार का लॉकडाउन को लेकर कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से पैनिक लोगों में क्रिएट हुआ। और जो पैनिक क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो बल्क में लोग बस अड्डों पर पहुँच रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुँच रहे हैं, उसमें ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इतना क्लोज कॉन्टैक्ट है लोगों का एक दूसरे से। और लोगों का साफ तौर से कहना है कि मैडम हम लोग घर जाना चाहते हैं, घर जाएँ या फिर कोरोना देख लें। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी मार ये है कोरोना से ज्यादा, कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में खाने के लाले पड़े हैं। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन तो अनाउंस कर दिया, लेकिन राशन की व्यवस्था क्या होगी, हमें खाने पीने के लिए क्या मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और सबसे बड़ी दयनीय स्थिति यह है कि जितनी संख्या है लोगों की, उतनी संख्या में बसें भी अवेलेबल नहीं है। लोग सड़कों पर बैठे हैं, अपने घर से निकल करके पहुंचे बस अड्डों पर, और लोगों ने साफ कह दिया घर वापस नहीं जाएंगे। जो बस मिलेगी, बस नहीं मिलेगी तो पैदल जाएंगे, लेकिन हम घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने गांव में है, हमें अपने गांव जाना है। सरकारों पे हमें भरोसा नहीं है कि वो कब लॉकडाउन लगा दे। ये जो डर है लॉकडाउन को लेकर के, ये लोगों के दिन में इतना घर कर दिया है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोरोना महामारी के समय में मास्क लगाना है, मास्क ठीक से लगाना है, एक नहीं दो मास्क लगाने हैं, दो गज की दूरी मेंटेन करनी है। इस चीज से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सैनिटाइजर तो आप भूल ही जाइए, सैनिटाइजर तो यही लग रहा था कि यहां रहेंगे तो भी मरेंगे, इससे अच्छा है कम से कम गांव चले जाए। अब वही भय एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से मिल रही है। यहाँ के नंदुरबार से बड़ी खबर, नॉन कोविड पेशेंट का इलाज चारपाई पर क्या किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है जो तमाम हॉस्पिटल में हालात है। यहाँ पर चारपाई पर लेटा करके महाराष्ट्र में किस तरीके से कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। नंदुरबार से आई हैरान करने वाली ये तस्वीर, नॉन कोविड मरीजों का चारपाई पर इलाज चल रहा है, क्योंकि जो नॉन कोविड पेशेंट हैं उन्हें इलाज कराने में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर तरफ हॉस्पिटल कोविड मरीजों से भरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि टाइफाइड के ये मरीज हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, चारपाई पर लेटा करके इनका इलाज चल रहा है। यही चारपाई पर इन्हें ड्रिप भी चढ़ा दी जा रही है, दवाइयां भी दे दी जा रही है। गर्मी का यह मौसम, धूप भी है, खुले में ये देखिए किस तरह से जमीन पर बिठा करके भी इलाज किया जा रहा है। कोरोना हो गया वो पेशेंट्स बेहाल है, जिन्हें कोरोना नहीं है दूसरी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी स्थिति भी क्या है देख लीजिए आप। और चलिए रुख हितेन का भी हम कर लेते हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पर ऐसा नहीं है, हितेन आनंद विहार में अभी मौजूद है, हर्षा नोएडा में मौजूद है। दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह का कमोबेश यही हाल है। हितेन आपके पास में आ रही हूँ। हर्षा, इसके पहले प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें बता रही थी, प्रवासी मजदूर यही कह रहे हैं खाने का अगर इंतजाम हम कर भी लें तो घर का जो किराया है वो तो देना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे वो मिलेगा कहाँ से, यही वजह है भीड़ बढ़ रही है। हितेन आप बात कर रहे थे मजदूरों से इसके पहले। देखिए इनको रोकने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया था कि सड़कों पर लोग ना निकले ताकि जो चेन है कोरोना की वो तोड़ी जाए, लेकिन लॉकडाउन डिक्लेयर होते ही ठेकों पर भीड़ देखी कल, और सड़कों पर आनंद विहार हो या फिर अलग अलग जगह हमने भीड़ देखी। सरकार इनको रोक क्यों नहीं पा रही है? अगर आपने कल ऐलान करते वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर कह दिया कि आप 6 दिन के लिए सिर्फ रुक जाइए, हम व्यवस्था करेंगे, क्या व्यवस्था कर रहे आपने नहीं बताया। आपकी पत्नी पॉजिटिव हो गई कोरोना से, आपने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में डाल दिया है, और वहीं से बैठ के आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप राज्य चलाएंगे, लेकिन राज्य की जनता तकलीफ में है, वो घर जाना चाहती है, आप उनके लिए राशन पानी अरेंज करने वाले कैसे करने वाले, वो सवाल का जवाब बिल्कुल हितेन यही कहा जा रहे बांदा बांदा जा रहे जी। किस किस डर से जा रहे हैं? लॉकडाउन के डर से जा रहे? नहीं, शादी में। हाँ, शादी में जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप?
सीतापुर यूपी, लॉकडाउन की वजह से। क्या काम करते थे? तो हितेन देखिए, राज्य सरकारों को ये फैसला कदम कुछ तो उठाना पड़ेगा, कुछ तो डिसीजन लेना होगा ताकि ये मजदूरों का पलायन रुक सके और कोरोना फैलने से भी रोका जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।